जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना। गौर तो कर सरकार की तुझ पर, सोच के आए उन्होंने की पढ़ना, तो सानू इतने ही पता लगता की पढ़ना। तो अब सुनने वाले इतने मुश्किल हों तो हमें कवाली करनी पड़ती है। सच्ची जो बात है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये सुरीला काम करूं। मैंने सिर्फ अपने वालदे गिरामी किबला सैयद मंजूरुल कोनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जूतियां नीचे से चूमी हैं सिर्फ। खुदा की कसम, मैं तो मेरी जिंदगी का ज्यादा अरसा बरतानिया में गुजर गया, 15-16 साल बेवकूफ़ी में नहीं समझ आई। वो इंसान अपने घोड़े बहुत दौड़ाता है, लेकिन वो गल उन्हें लिखी, उन्हें क्या पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो जो समझ आया ना, तो उसी दिन कपड़े भी अलमारी में ही छोड़ आया, अपनी गाड़ी भी बरतानिया ही छोड़ आया, सब कुछ छोड़ के उधर आ गया। पता नहीं किन्नू मिलया होगा कि ते मैं आके जुतियां मूँह रखता, मैं कहा जी मैनू माफ कर देना। ओ भी उन्हां दी मर्जी सी, मैं मेरा इन्ना दखल नहीं सी, लेकिन वो चाहते सन कि हर बाप ये चाहता अपनी फुट स्टैंडिंग हो जाए, अपने पैरों से बंदा खलो जाए, तो उन्होंने बेहतर समझा उस वेले। लेकिन गल ओही हुई कि वो इन्होंने कहा मंजूर सैयद कौनैन, तो जब उस बारगाह में से नात खानी टिक हो गई हो तो वो किस तरह पीछे रह सकता। वो ये होना ही था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उनको संभाल लिया, अल्लाह ताला उनका उनके मकाम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनका फैज जो है नात के हवाले से रहती दुनिया तक। मेरी ये तमन्ना है कि नात की हुरमत नात की इज्जत बरकरार रहे। वो हम बढ़ा तो सकते नहीं है, उसका वादा अल्लाह ने किया हुआ है, फरिश्ते अपना काम कर ही जा रहे हैं, लेकिन इतनी तमन्ना ज़रूर होती है कि हुजूर के शायान शान सुना भी करें और पढ़ा भी करें। किसी बंदे दी खुशनूदी वास्ते किन्ना कि तो हाथ उत्ते कर लेंदे हो, डांस भी करदे हो, नारे भी अजीब अजीब ला लेंदे हो, ते पढ़ने वाले भी करवा लेंदे ने सिर्फ इंसानी खुशनूदी के लिए। तो अगर हुजूर को खुश करना हो तो एक उस्ताद नहीं फड़ सकते कि मैं हुजूर दी नात सलीके नाल सीख लवां, की पता फरिश्ते उन्होंने बारगाह विच लै ही जान। मेरा पढ़िया भी मेरा पढ़िया भी हजूर की बारगाह चला जाए। कभी ये आ जाए ना नाथ खान की तमन्नाओं में से एक तमन्ना ये हो जाए कि शायद मेरा पढ़िया भी हजूर तक पहुंच जाओ, खुदा की कसम सिद्धे पदरे हो जाओ सारे। लेकिन ये इसमें कई बातें हैं, किसी ने जरिया मौश बनाया हुआ है, किसी ने अपनी कशक बशक बनाई हुई है, कोई पीर बन जाता है, कोई कुछ कर लेता है कुछ। खुदा पाक की कसम मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि ये जरिया निजात है, ये जरिया निजात है, ये कोई जरिया मौश नहीं है, जरिया शोहरत नहीं है किसी किस्म का। मैं कहता हूँ कि हजूर के पाओ की ये जो ठोकर है ना, इससे तमाम फनून लतीफा निकलते हैं। इज्जत दौलत शोहरत आपके पाओ की लौंडियां हैं,
ठुड्डा मार देना तो की बन जाता, जर्रे भी आफताब बन जाते। इसलिए कोशिश ये किया करें, मुझे तो पढ़ना नहीं आता लेकिन नात को बहुत सलीके से पढ़ा करें, खुदा की कसम आपके काम आएगा। ये दुनिया में तो आएगा ही आएगा, लोग आपकी इज्जत आबरू करते हैं, लेकिन वो अंधेरी रात जब कब्र की होगी ना उसमें रोशनी होगी इंशाल्लाह। सिर्फ इस ईमान से नात पढ़ लोगे ना, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, मैं बड़ी अहम जगह पे बैठा हूँ, रोज रात को इसी जगह पे होते हैं हम लोग, हजारों आंखें देख रही होती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं, हुजूर की शान मदा बयान करना और सुनना, ये तुम्हारी कब्रों में रोशनी होगी इस बैठने की वजह से कि हुजूर और तो कुछ नहीं है, मैं थोड़ी नात सुनता सा बह के होता, तो हुजूर किसी का एहसान नहीं रखेंगे, वो करेंगे रोशनी, तू उत्थे बैठे तो मैं इत्थे बहना। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका मुझ में तो ऐसी बात नहीं, ये तो करम है उनका वरना। तू भी वहीं पर जा जिस सबकी बिगड़ी पड़ती है, तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी पड़ती है, एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको इश्क शहे शहे बतहा से पहले मुफलिस खस्ता हाल थमे, इसके शहे बतहा से पहले मुफलिस खस्ता हाल थमे, पास मेरे अशकों के अलावा और कोई सौगात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुनकिर है जो उनकी अदा का
ये बात बताए को मुनकिर है जो उनकी अता का वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की खैरात नहीं कौन है वो जिसके दामन में उस दर की खैरात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको गौर गौर तो कर सरकार की तुझ पे कैसी खास इनायत है ए गौर करण दी गल है जरा गौर करो गौर तो कर सरकार की तुझ पे कैसी खास इनायत है कौसर तू है उनका सनाखां ये मामूली बात नहीं कौसर तू है उनका सनाखां ये मामूली बात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको